पर ये गुफ्तगु है। अल्लाह का फरमान है कि तुम अपने मामलात में, अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने ताल्लुकात में जो तुम्हारे हैं, अदल से काम लो। ये अल्लाह का फरमान। अदल का तर्जमा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो तर्जमे से जो नहीं आएगा वो समझाना पड़ेगा कि अदल क्या है। आमतौर पर अदल के मानी इंसाफ किए जाते हैं। तुम साहिबान में ठीक कह रहा हूं। अदल के मानी आमतौर पर ये कहे जाते इंसाफ। अदल से काम लो यानी इंसाफ से काम लो, यही मतलब बन। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि याद रखें आप, ये इल्मे लुगत का फैसला है कि एक जुबान के दो लफ्ज कभी हम माना नहीं होते। इससे जुदा बात, इंसाफ भी अरबी का लफ्ज है, अदल भी अरबी का लफ्ज है, दोनों हम माना कभी हो सकते ही नहीं। इंसाफ के कुछ और माना है, अदल के कुछ और माना है, क्योंकि हमें कोई लफ्ज नहीं मिलता, इसलिए हम मजबूरन अदल की जगह इंसाफ कह देते हैं, वरना इंसाफ चीज और है, अदल चीज और। तो उसके मैंने साहब इंसाफ का लफ्ज बना है निस्क, नून स्वाद दे निस्क, निस्क के मानी में आधा। इंसाफ के मानी में किसी शय को बराबर आधा आधा बांट देना, इसे इंसाफ के। और जिस मैं वही पाएगा इंसाफ के मान आ गए जहन से आ गए, शय के इंसाफ से बांटो, क्या मतलब बराबर को हिस्सों का, इसे इंसाफ कहते। रूप से वजह है ना उनकी वजह, मगर अदल और शय है। इंसाफ के बारे में तो हिस्सों में बराबर बांटू, मगर अदल बिल्कुल अलग है। अब मैं अदल की तरह एक बात आपसे कहूं कि मुसलमानों को ये इजाजत है कि वो एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, है ना इजाजत है। और हमारे पाकिस्तान में आए हुए कानून बना है, इस पर कुछ पाबंदी लगाई गई होगी ये एक से ज्यादा शादी करने पर। बाहर में उसका जिक्र नहीं करना, उसे लंबी करते हैं। तो एक से ज्यादा शादी एक मुसलमान कर सकता है, मगर शर्त क्या है? अदल। इंसाफ शर्त नहीं, अदल शर्त। दो बीवी अगर हो तो हुक्म यह है कि तुम अदल से काम लो, इंसाफ से नहीं। याद रखो, अगर इंसाफ होता तो एक बीवी बीमार है, उसे दवा पिलाई तो आज ही अच्छी बीवी को पिलाना पड़ता। अगर इंसाफ, इंसाफ शर्त नहीं है, अदल शर्त है। एक बीवी की हरकत से आप नाराज हुए तो उतना ही बिल्कुल दूसरी से नाराज होना पड़ता, अगर इंसाफ शर्त होता। एक बीवी अपने बाप के घर गई है, दूसरी को दूसरे दिन के लिए भेजना पड़ता, अगर इंसाफ होता। और अगर एक कहीं मर गई है तो दूसरी का गलत खोजना पड़ता, अगर इंसाफ कर। इंसाफ जरूरी है, अदल कर। अदल चीज और है, इंसाफ चीज और। ये हमारी अदालतें अजलिया कहलाती है, इंसाफ या नहीं कहलाती। इंसाफ और क्या है, अदल और। तो अदल की लंबी चौड़ी तशरी है बिना। और जहां तक मुजाहिद आदमी के मुताले का ताल्लुक है, कम से कम 5-4 हजार सफी की किताबें तो मैंने जो तस्वीर गुजर चुकी है, तो अदल की तस्वीर में लिखी गई। हरेक ने अपने अपने अकल के ख्याल की लिखा दी। मैंने सबका खुलासा निकाल के उर्दू जुबान में एक लफ्ज तैयार किया है, अदल के क्या माना। अगर तो सजा नहीं दी, अदल के माना सिर्फ ये है, देखो जिससे भी तुम्हारा वास्ता पड़े उसके साथ वही सलूक करो जो करना चाहिए, जिज्ञासा करो। हर शख्स और हर चीज के साथ
वही सलूक करो जो करना चाहिए। इसे कहते हैं आदत। उर्दू जुबान में जहां चाह के आ गया आदत। समझ है ना साहब? याद रखो जहां अदल के खिलाफ बात होगी वहां हुसन भी जाये हो जाएगा, वहां खुशी भी जाती रहेगी, वहां इंसानियत की खत्म हो जाएगी, वहां शराफत की खत्म हो जाएगी। हर शह कहीं हो जहां होना चाहिए, हर शह से वही सलूक हो जो करना चाहिए, इसे अदल कहते। आंख आंख की जगह हो, नाक नाक की जगह हो, होंठ होंठ की जगह हो। अगर मैं लाहौर में या जहां किसी अस्पताल में दाखिल होकर जरा गौर से सुनना रहे, अपनी नाक यहां से कटाकर डॉक्टर से और यहां लगवा लू, ऐसा हो सकता है? नाक कर सर्जरी में तरक्की कर ली हो सकता है? और नाक यहां लगा के मजलिस में आऊं, सब हंसना है यहां से वहां, तो फिर हंसते क्यों हो? इशारा कर रहे हैं मेरी हजरत, तुम हंसते हो, तुम्हें क्या हक है मेरी नाक से हंसने का? नाराज हो रहा हूं, तुम क्यों हंसते हो मेरी नाक पर? सुन रहे ना भाई, हंसोगे नहीं हंसोगे अगर नाक ना लगी है, और मैं नाराज हो रहा हूं, तुम नाराज हंसते क्यों? तो आप ये कहेंगे या नहीं कि बिना हम आपकी नाक से ही हंसते, नाक सुभान अल्लाह, हम मजाक इस बात का उड़ाते हैं कि नाक वहां क्यों बैठ गई जहां उसकी जगह नहीं थी? अगर अपनी जगह होती तो कोई कुछ न कहता, हम बुरा नहीं कहना, इसलिए मजाक नहीं करना। नाक वहां क्यों है जहां उसे होना ही चाहिए? इस बात का मजाक है, इस बात को बुरा कहा जा रहा है। अब नाक में सफाई पेश करूं कि मैंने अपने महल्ले वालों से मशवरा लेकर ये काम किया था, हमने सारे इलाके से आए मिली, इन तमाम बातों के बावजूद नाक को बुरा कहा जाएगा, वहां क्यों है जहां उसे होना नहीं चाहिए? अदल के खिलाफ बात हो गई इसलिए बुरा हो गया। तब जो है ना साहेब, और है ना मेरी बात से बिल्कुल, मेरे मोहतरम भाइयों क्या बताऊं मैं, बाजार से मैंने इसका खरीदा 200 रुपए में आया, बड़ा घटिया था, साफ मगर कीमत उसकी लगी 200। फिर मैंने कहा छोटी भी खरीद ली, कपड़े की जोटी जैसी हम पहनते हैं हिंदुस्तानी, वो आई 5 रुपए की। मौलवी आदमी था, दिल में सोचा छोटी गरीब है, 5 रुपए में आई है, जीता अमीर है, 200 रुपए में आया है। मैंने क्या किया, टोपी को गरीब समझ के, जूते को अमीर समझ के, टोपी पैरों में रख ली, जूता दिल में रख लिया। कहां क्यों है जहां होना नहीं चाहिए? अदल के खिलाफ हो, अल्लाह कहता हर मामले में अदल करो, हर से कहीं हो जहां उसे होना चाहिए। बहुत मिसालें हैं, कहां तक आपसे का दिमाग खराब नहीं है? मेंबर पर बैठ गया पढ़ने के लिए, बैठी खुदा शाही है, मैं खुद नहीं बैठा, तो मुख्तरम भाइयों पढ़ते पढ़ते भाई जरा पानी चाहिए, जरा पीने को फौर ले काबू के और मिट्टी के गिलास में पानी लाए, ताजा बना हुआ मिट्टी का गिलास, पानी में खुशबू आ रही थी, बहुत प्यारा लगेगा। भाई जरा उगाल दान भी चाहिए, चांदी का उगाल दान, सफेद बिल्कुल नया। अब मैंने क्या सोचा कि गिलास है मिट्टी का, उगाल दान है चांदी का, मैंने क्या किया, उसे उगाल दान में पानी डाल के मीडिया गिलास में पूछ लिया। अब कितना मजबा बैठा, सबने मजाक कराया, और कोई बात मेरी याद रहे न रहे, ये बात सबको याद रहेगी, वो पागल मौलवी जिसने गिलास में थूका था, जिसने उगालदार में पानी पिया था, बताओ तुम्हारा क्या बिगड़ गया, तुम्हारा क्या नुकसान किया, मैंने तुम्हें क्या नुकसान?
प्राण पहुंचाया, मगर नहीं सब बुरा कह रहे, तो बुरा कह रहे फिर उगान में पानी चो किया, गिलास में सूखा किया, जिसे मुंह लगाना था उसे सूखा किया, और जिसके मुंह में सूखना था उसे मुंह क्यों लगाया। अल्लाह कहता है देखो खबरदार अदल के खिलाफ कोई बात नहीं करना, हमेशा हर बात में अदल कायम रहे, हर कैसे हर चीज से वही सलूक करो कि जो उसके साथ होना चाहिए, खबरदार चाहे तो नहीं कहो उसके साथ वही सलूक करो, गिलास चाहे मर्जी कहो उसके साथ वही सलूक करो, तवज्जो करवाई चाहे बात नहीं, तो हर एक के साथ वही सलूक हो जो उसके साथ होना जरूरी है। मैं ठीक कह रहा हूं भाई, जो हजरात दूर बैठे हैं वो तो मुझे नजर भी नहीं आ रहे, उनसे मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को समझ रहे हैं, खुदा करे बात बैठने वाले समझ रहे हैं। फिर सारी दुनिया पर तो कुछ समझ जाएगा भाई तो अल्लाह का हुक्म है, देखो अदल करो, हर शहर से वही सलूक करो जो करना चाहिए। इसकी सैकड़ों मिसालें हैं, मैंने एक दो आपको बताई, आप जाने की वजह से शाम तक मिसालें बना सकते हैं, सैकड़ों मिसालें हैं इस बात की, तो बदलदान मन इसे मैं मुख्तसर करके कहता हूं कि हर शहर के साथ अदल का कानून जब बरत सकते हैं आप, जब आपको शय का भी पता हो क्या है और ये भी पता हो कि इसके साथ क्या होना चाहिए। अगर आप जानते ही नहीं कि शय क्या है, आपको पता ही नहीं कि इसके साथ क्या होना चाहिए, तो आप अदल कैसे करते हैं। कर जो है ना चाहे शय का भी पता हो और क्या होना चाहिए ये भी पता हो, ठीक है ना। अब है कोई आदमी आप में से ऐसा जो हर शय को जानता हूं, बोलोगे जानते हर शय, अच्छा जितनी चीजें जानते हो उनका ये जानते हो किसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। अक्सर का रिजल्ट ठीक है ना, हम मीठा करके लेते हैं, डॉक्टर कहता है गलत है, क्योंकि वो जानता है कैको भी उसकी हकीकत को, तो हम बात को बिल्कुल मुख्तसर करता हूं। अदल को वो कायम रख सकता है जो हर शय को जानता हो और ये भी जानता हो कि हर शय के साथ क्या होने चाहिए, और हर शय को बस दो हस्तियां जान सकती हैं, या वो जिसने हर शय बनाई या वो जिसके सामने हर शय, हर शय को या वो जानता है जिसने बनाई हर शय या वो जानता है जिसके सामने हर शय बनी, तब जो है ना मेरे मित्र ग्रामीण जिसके सामने बनी हर शय, क्या वो जानता है कि बनाई हर शय। तो आज तक दुनिया में किसी शख्स ने ये नहीं कहा सिवाय एक हस्ती के कि मैं जो हूं कि किसी अल्लाह ने सबसे पहले कहे, सिर्फ एक हस्ती ने कि मैं जो हूं कि मुझे अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया, सब पे आप काफी जोर दे रहे हैं, सबसे पहले कहो ना, सबसे पहले सब कहो, सबसे पहले सबसे पहले बताओ, सब में सब आ गए या नहीं, तो विषय बची करी सबसे पहले जो शय भी आप सबदुर में लाए जो सब में दाखिल है सबसे पहले मुझे पहले है ना साहिबान, ये मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है कि एक बात है कि अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया,
एक ऐसा वक्त भी था जबकि वक्त नहीं था मगर वक्त कहना पड़ता है क्योंकि वक्त भी सब में आ गया, वो वक्त से भी पहले पैदा हुआ वाला, एक बनाने वाला अल्लाह था और एक पैदा होने वाला था, बस पूरी तरह जो है ना दो टेबल और कोई बस दो टेबल कहां से पता नहीं ये अभी कहां आई कहां भी सब में आई कि जगह से जगह थी बस एक अंदाज है या वो जाने या अंदा जाने तन्हाई का मौका था अल्लाह का रब था अल्लाह पढ़ाता रहा और पढ़ता रहा जो कुछ अल्लाह ने पढ़ाया उसे दिल की नोटबुक पे लिखता रहा जब काफी पढ़ लिया तो अल्लाह ने कहा सुनते भी हो तुमने काफी पढ़ लिया तन्हाई हम यहाँ एक मदरसा में खोल दी जो कुछ तुमने पढ़ा है वो आगे अपने शागिर्दों को पढ़ाना ठीक है अल्लाह ने मदरसा खोल दिया तलबा दाखिल हो गए तलबा की तादाद हो गई काफी तो अल्लाह ने और प्रोफेसर रख दिए अब 12-14 प्रोफेसर हो गए 1,24,000 तालिब इल्म हो गए और ये आलमी अदल में मदरसा चलने लगे जब सारे के सारे पक्के पास हो गए तवज्जो साहिब बड़ा इख्तिसार कर रहा हूं ताकि बात पूरी हो जाए थोड़े वक्त की तो अल्लाह ने फर्श साहब से कहा जो सबसे पहले पैदा हुए थे कि आपका मदरसा तो खूब चल गया बड़ा अच्छा हो गया खैर कि हम ये चाहते हैं कि आप जरा जमीन की स्तर भी हो आए क्या ख्याल ले जाएंगे जमीन की जाओगे इंशाल्लाह नहीं जाओगे जमीन में शाम के सबसे आदमी चलत है वो अब शागिर्दों को बुलाया तुम्हारे उस्ताद मुहतरम ने जमीन के जाना है तुमने से कोई साहब जाकर जरा जमीन को ठीक करें ताकि ये आकर उस पर बैठ सके पूरी तरह से साहिबान अब जमीन को ठीक करने के लिए खाकी वर्दी पहनकर आदम तशरीफ लाए जमीन को बिल्कुल हमवार कर दिया यहां से रिपोर्ट करके बड़ा बंदा भेज के उसे जमीन ठीक है जब उसके भेजने का वक्त आया तो आदम के बेटे हाजी और कादरी में खुशी हो गई और उस जमीन पर जो आदम ने ठीक की थी उन्हें नहक दे दिया अल्लाह ने कहा इस जमीन पर जिसमें नहक खून गिर गया है मैं अपनी हदीस को ही दे दूंगा कोई है ऐसा बंदा जो इस जमीन को धो के पास कर दे तो अल्लाह ने ऐलान किया धो के पास करने का कमर बांध के रूह उठे खुदा अल्लाह पानी का इंतजाम कर देना चक्कर चक्कर में धो दू तो लू मैं कर जमीन जब बिल्कुल जमीन खुल के साफ हो गई कहेगा माशाल्लाह बहुत अच्छा है अब इस आदि है कि इस पर हमारा अभी जा सके मगर सादा है बिल्कुल कोई ऐसा है कि इससे जरा गुजबूचे बना दे ताकि हमारे हबीब का दिल भी लगे इब्राहिम ने कहा यह काम मैं करूं ऐसा नए किस्म का गुलजार बनाऊ जो याद रखे इब्राहिम ने अगर नई किस्म का गुलजार बना दिया तो जो है ना जब गुलजार बन गया इब्राहिम का तो अल्लाह ने कहा कि अब गुलजार बन गया है तो हो सकता है किसी गोजे में कोई दुश्मन चोर छुप के बैठ जाए मैं हबीब को भेजू वो अचानक हमला कर दी ज्यादा कोई ऐसा है कि जमीन पर जाकर ये देखे कहीं कोई चोर तो नहीं है समझे ना गौर से बच्चे अब जो चोर की तलाश में चला उसी तरह जिस तरह चोर की तलाश में चली एक हाथ में डंडा एक हाथ में लालचन एक में यदि पैसा है कि लड़का चोर की तलाश में उसने वो है चूर की पहाड़ी पर चढ़ के देखा मिस्र की वादियों में देखा दमिश्क के शहर में देखा आखिर चोर पकड़ लिए बजावना चोर है कहां के तख्ते मिस्र पे फिर और जो तो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करेंगे
इसे कैद कर दो। कैद कर दिया, कहाँ कैद करो कि दरिया नील में कैद करो, पानी में कैद करो, मिट्टी यह खुल जाएगा। चोर से पकड़ा गया, मजीद एहतियात के लिए हम चाहते हैं कि कोई साहब जाके सारी जमीन का दौरा करके रिपोर्ट पेश करें कि अब ये जमीन इस मिसाल के काबिल है। अब जो दौरे के लिए भेजने का हुक्म आया तो ईसा खड़े हुए कि साहब मैं करूंगी, ठीक है जाओ। इतनी जल्दी की भेजने में कि बात करने इंतजार नहीं किया। यहाँ आके न शादी जी न क्या किया, न घर बनाया, न कहीं बसे। जम दिला था देखे बुजुर्ग बयान लिखे, जिंदों के बयान लिखे, जमीन का दौरा किया, जब रिपोर्ट तैयार कर ली, बजाऊंगा जमीन की रिपोर्ट तैयार कर ली, वो तेरे हदीस के काबिल है क्यों नहीं, रिपोर्ट लेके वक्त उठाओ आके सुनो। वापिस बुलाया तो वापसी में इतनी जल्दी थी कि मौत का इंतजार नहीं किया, वापस उठाओ करो। रिपोर्ट लेके वापिस पहुंची, बजाऊंगा जमीन बिल्कुल ठीक है, तेरे हदीस जा सकता है उसकी। सुनो ऐसा, तुम्हारी रिपोर्ट पर भेज रहा हूं, तुम जिम्मेदार हो, लगा तुम मरीज है जानी जो हूं, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो तुम्हें फिर जाना पड़ेगा, समझे। बहुत अच्छा जिम्मेदार हो सब ठीक है, ठहरे रहो। और खुलाना में ये गुजारिश है क्या कि जब मैं वहां था तो वो यहां था, जब मैं यहां वापिस आया ये वहां भेज रहा है, मैं तो ज्यादा ही महसूस रहेंगे। कोई बात नहीं था, चौथे आसमान पे डेरे लगा दो, किसी के हाथ में सवारी गुजरेगी तो उनकी सलाम कर दो। समझी हुई क्योंकि सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए। तब अल्लाह ने अपने हबीब की तरह देखा, सुनते भी हो क्या ख्याल है, जाओ नहीं क्या इरादा है, जाओ देखो ना, अगर मेरे रसूल होते तो हुक्म भेजता जाओ, क्या करूं हबीब के लिए जाओगी। वाह वाह तो क्या इरादा है, उदास हो गए तो घबराओ नहीं, इस बच्चे घबराया करे, रात को आके मिल जाया करे। कोई बात नहीं, क्या रहे ठीक है, ठहरो। देखो ये मेरा खजाना है, ये चाबी है, जो चीज पसंद आए साथ ले लो। अब जो अल्लाह के खजाने की अलमारी खोली तो किसी ने सियादत रखी थी उठा ली, किसी में उसने बुल्क रखा था उठा लिए, किसी में शराफत रखी थी उठा ली, एक अलमारी में इमामत रखी थी दस बारह साल चुन के उठा ली, एक अलमारी में रिसालत रखी थी सारी ही उठा ली, छोड़ ली सब चीजें लेके अब रवाना हुई। हमारे साहब ना सब चीजें ठीक है, इमामत भी है, इसालत भी है, इजाजत भी है, शराफत भी है, सब कुछ है, और ये बदल में क्या है तुम्हारी, ये मेरी किताब है, तुमने चढ़ाई में पढ़ाई की, ये क्यों ले जा रहे हो, ये पढ़ पढ़ के लोगों को पढ़ाऊंगा कि ना, किताब नहीं छोड़ जाओ, किताब बस ले जाओ। खुदा अल्लाह अगर किताब जहां रह गई तो पढ़ाऊंगा क्या, कि सुनते जो जब बड़े आदमी के बच्चे मदरसे जाते हैं तो उनकी बगल में बच्चे नहीं हुआ करते, उनके नौकर आते हैं, किताब कहीं छोड़ जाओ, जिस रही नौकर जिनके लिए
बुजुर्गानी मोहतरम अब जाओ बेटे के साथ में ठहरना, उधर ठहरो, मैं तुम्हारा नाम और तजवीज कर लू। अब नाम तजवीज किया, जितने नाम इनमें नहीं में आ सकते थे हर एक देखा ये नाम हो सकता है, ये नाम हो सकता है, ये भी है, ये भी। आखिर मिलाकर जो नाम पसंद आया अल्लाह को वो था नाम मोहम्मद। इतना नाम इतना प्यारा नाम कि कोई नाम में लब को लब न चूम ले तो मेरा जिम्मा तेरा नाम। इतना प्यारा नाम तो बच्चों तुम पढ़े लिखे लड़के हो, हम वो इन तो नहीं पढ़ा लिखा है कि तुम्हें इन लड़के जो पढ़े लिखे हैं तो भाई ये मोहम्मद में कितने हर्फ हैं, मोहम्मद में क्या है हर्फ मतलब कितने हर्फ मोहम्मद चार चार नींद है नींदार चार चार होते तो मोहम्मद होता, यह मोहम्मद अब कितने हैं बोलो भाई सौ पांच फिर चार को कहा था। बात यह है कि मोहम्मद ऐसे पांच का मजमूआ है जिनमें से एक पर्दे में है चार नजर आते हैं। इनाम हो गया जाओ तो इनाम है जरा तुम्हारे बाप का तजवीज कर लू, तुम्हारा बाप कौन होगा, एक को बिन बाप के भेजा था दुनिया हमारा बेटा कह रहे नहीं, अब बाप का इंतखाब दो तो है ना। जितने शरीफ लोग थे सब की तारीफ सामने आई, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये अल्लाह वाला है, इसका बाप को होगा जिसका अब्दुल्ला नाम है, बाप अब्दुल्ला हो गया, माँ कौन हो ये आज का है, ये रुपया है, ये जिंदा है, यह है हमारी अमानत, अमानत उस खातून को मिलेगी जो आमना होगी, वहां आमना होगी। दूध कौन पिलाए, दूध का असर इलाज से पड़ता है, अगर किसी उच्चारी औरत ने बदल इलाज औरत ने दूध पिला दिया इसे दूध वो पिलाए जो अलीमा हो ताकि बच्चा अली रहे, सारे इंतजाम कर लीजिए तो कहा अब हम भेजते हैं तवज्जो साहिबान। अब मैं एक मिनट तरह खामोश होता हूँ, आप बिल्कुल पढ़ने फिर आपको बताऊंगा। आपकी जरूरत सारे इस्लाम करके मेरे मोहतरम तामीन और बड़ा मुख्तसर करता हूं बात को, बहुत ही मुख्तसर ताकि आप थक भी न जाए मैं भी न थक जाऊं। मक्के शहर को मुंतखब करके भेज दे जाओ, ये इंतहाई मुख्तसर बात, मक्के में आ गए, मक्के की आबादी जाहिल थे, मक्के में जाहिल लोग थे, क्यों जाहिल थे, मक्के में जो आबादी थी तो दूर के आने से पहले वो जाहिल थे, बोलो भाई जाहिल याद रखो मेरे सामने ग्राम जाहिल होना कोई ऐब नहीं, जाहिल कहते न जानना, न जानना कोई ऐब नहीं, समझे उन्हें। दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो हर बात जानता हो, अगर सौ बातें जानता है कार नहीं जानता, समझे ना। हमारे लड़के कह रहे थे यहां हमारा इल्म सब कुछ जानते थे, गलत है, वो भी कई चीजें नहीं जानते थे, पढ़े तेरा नहीं जानते थे, चार सौ बीस करना नहीं जानते थे, किसी को धोखा देना नहीं जानते थे, किसी के साथ को कैदी करना नहीं जानते थे, ये बातें उनसे ज्यादा मैं जानता हूं। ये सब है कि दुनिया में हर एक हर बात जानता हूं, तो जाहिर होना कोई ऐब नहीं है,
एक आदमी नहीं जानता उसे बता दिया जानी है। अगर मक्के वाले जाहिल होते तो कोई हकार नहीं हुई मुसीबत के ठीक वो अबू जहल जाहिल होना और बात है अबू जहल होना और बात जाहिर इसे कहते हैं जानता न हो और अबू जहल इसे कहते हैं ना मुराद मानता हूँ जानता सब कुछ को मानता हूँ। रसूल का